INS. Extremely fearless journalism. Shabash. शीजान है, मैं वुमेंस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, थर्ड सेमेस्टर। प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि हमारी फ़ी बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि उसमें कंसेशन हो, क्योंकि ऐसे भी कुछ लड़कियाँ हैं जिनके पापा नहीं है, कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं, रीज़न ये है कि घर में ऐसे हालात नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस फीस की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि इस फीस में कंसेशन हो, 2000 से ऊपर नहीं, इसलिए बस यही बात। जी हाँ, मैं उसका भी रीज़न इसमें जोड़ रही हूँ, क्योंकि जिस वजह से ये हालत यहाँ पे ख़राब है, ऊपर से ये बोल रहे हैं इतना सारा फ़ी, एक तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इतना फ़ी किस लिए? अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इनको गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहा, जो बच्चों से इतने सारे पैसे ले रहे हैं। जो हमारे यहाँ 2019 अगस्त 5 से यहाँ पे बंद है, पहले तो कर्फ्यू हो रहा था, कश्मीर में हालात सारे बंद कर दिए, स्कूल्स कॉलेज बंद हो गए, फिर जब हुआ कि कर्फ्यू हटा दिया गया तो कोविड-19 आ गया, तो उस कोविड-19 वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है घर में सेफ़ रहो, जब कोई बाहर नहीं जा सकता तो कमाएगा कौन? हमारे पापा जो भी घर में कमा सकते थे वो घर में बैठे हैं, चाहे भाई हो चाहे पापा हो, घर में बैठे, कुछ के तो पापा भी नहीं है, तो वो कहाँ से कमाएंगे और इतना सारा फ़ी भरेंगे? हम एबल नहीं हो रहे इतना सारा फ़ी भरने के लिए। जो हमारा कंपोनेंट फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, वो 4,500 है, हम एफ़र्ट नहीं कर पा रहे, हम पुअर फैमिली से, ऊपर से मेरा पापा बहुत बीमार है, वो 1 साल से बीमार है, मेरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मामा पे है, वो इतना एफ़र्ट नहीं कर सकती है, इसलिए मैं अपील कर रही हूँ, प्लीज़ हमारा जो फ़ी है 4,500 उसमें कैंसेशन करें, और जो हमारा लास्ट डेट है आज उसका वो प्लीज़ एक्सटेंड करें। INS. Extremely fearless journalism.